Understanding key concepts in rapid application development. In this module, we will understand key concepts in rapid application development with example. तो आइए हम जरा review करें कि वो कौन कौन से key concepts हैं जो आप rapid application development में use करते हैं. सबसे पहला concept जो है that is prototyping. अब prototyping जो है that is implement skeleton or prototype of actual system with focus on input and output. तो prototyping के अंदर आप एक ऐसा skeleton तैयार करते हैं कि user उसको use करे और आपको continuous feedback दे सके कि जब उसके पास complete system आएगा तो वो कैसे लगेगा. जैसे जब भी आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आप उसका skeleton तैयार करते हैं. इसी तरीके से जब आप पूरा software तैयार करेंगे उससे पहले आप एक ऐसी prototype तैयार करेंगे जो user को आप दिखा सकें, उससे आप continuous feedback मांग सकें और जब वो सारी feedback आपको दे दे तो आप वो feedback आप final product के अंदर incorporate करके complete system करें. Trial and partial design that helps user in testing design ideas without executing a complete system. तो याद रहे prototyping के अंदर आपने complete system तैयार नहीं किया, आपने system को small modules के अंदर convert किया, उन modules की prototype तैयार की, वो prototype आपने user को दी, user ने उसे test किया, as per the requirement and as per the expectation, आपको feedback दिया और फिर आपने उस prototype के अंदर जो भी changes लेकर आनी है, वो complete करके उसको integrate किया with the final product. This approach does not go through analysis and design phase. इस वजह से कि जब आपने पहली prototype तैयार की, तो आप user को सिर्फ know-how के लिए वो उस प्रोटोटाइप दे सकते हैं ताकि लुक एंड फील आ जाए कि जब वो एक्चुअल सिस्टम उसके पास आए तो वो कैसा लगेगा. डेमोंस्ट्रेट सिस्टम फंक्शनैलिटी टू यूजर एंड टू गेट देयर फीडबैक ऑन प्रोटोटाइप. तो यूजर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजर फीडबैक एज पर द रिक्वायरमेंट होगा एंड एज पर द एक्सपेक्टेशन होगा. तो जब उस प्रोटोटाइप को वो यूज करेगा वो कंप्लीट सिस्टम नहीं है, लेकिन उस प्रोटोटाइप को यूज करने के बाद वो आपको दोबारा बता सकता है, कंटिन्यूस फीडबैक दे सकता है कि क्या चीज चेंज करने की जरूरत है. फीडबैक इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यू सिस्टम एंड डेमोंस्ट्रेटेड बैक टू द यूजर. तो फीडबैक को जब आपने कलेक्ट किया, दोबारा प्रोटोटाइप तैयार की और यूजर से आपने एक वैलिडेशन ले ली, वेरिफिकेशन ले ली कि क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स नए सिस्टम के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है. Effective with user interactive system because prototype is eventually converted into full scale system. तो interactive system जिसमें user continuously system के साथ interact करेगा, feedback cycle बहुत important है ताकि user as per the expectation and as per the requirement continuously उसे test कर सके. Interactive systems are those computer systems characterized by significant amounts of interaction between human and computer. तो वो ऐसे सिस्टम जो डेली बेसिस पे यूजर यूज करेगा और इंटरेक्ट करेगा ताकि जो भी काम उसने करना है, जो भी टास्क उसने परफॉर्म करना है वो कंप्लीट कर सके. अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट करें तो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद एनालाइज द डेटा, प्रपोज डिजाइन, और उस आपने जब डिजाइन को प्रपोज कर दिया तो उसकी एक प्रोटोटाइप तैयार कर ली. जब प्रोटोटाइप तैयार हो गई तो आपने यूजर को उसको वो प्रोटोटाइप दी, उसने वो चेक की, इवेल्युएट की कि एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद आपने फिर उसके अंदर चेंजेस लाकर नेक्स्ट प्रोटोटाइप डिजाइन की और इवेंचुअली उसको इंटीग्रेट किया और इंप्लीमेंट करके उसको डिप्लॉय कर दिया. अब इन सम कंपनीज इंस्टॉल ए सैंडबॉक्स सिस्टम टू एक्सपोज यूजर टू सिस्टम फंक्शनैलिटी इन केस ऑफ ईआरपी. अब कुछ कंपनी जो है सैंडबॉक्स सिस्टम को भी यूज करती हैं. अब व्हाट इज ए सैंडबॉक्स सिस्टम? इट इज ए टेक्निक ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड फॉर टेस्टिंग वेदर व्हाट यू डिड रियली वर्क्स और नॉट. अब सैंडबॉक्स इज ए टेक्निक जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, अब याद रहे कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जब फर्स्ट प्रोटोटाइप तैयार हुई, डिवेलपर ने हो सकता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स और उसकी एक्सपेक्टेशन को डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट किया. जब प्रोटोटाइप तैयार होगी और यूजर तक पहुंची तो उसको एक्चुअल सिस्टम उसके सामने आ गया कि वो सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करेगा. तो ट्रायल एंड एरर की बेस पे जो एक्सपेक्टेशन और जो यूजर ने रिक्वायरमेंट बताई है बिटवीन द डेवलपर एंड द एक्चुअल यूजर,
वो आहिस्ता आहिस्ता आप उस गैप को कम करके और सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनवायरमेंट दैट एनेबल आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन मॉनिटरिंग और टेस्टिंग. इंडिपेंडेंटली आपने बड़े पूरे सॉफ्टवेयर को स्मॉल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया, उन मॉड्यूल्स की आपने प्रोटोटाइप बनाई, उन प्रोटोटाइप को यूजर को भेजा और इंडिपेंडेंटली आपने सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लिया. सैंडबॉक्स आल्सो मे बी नोन एज टेस्ट सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर और वर्किंग डायरेक्टरी. तो कंटिन्यूसली जब प्रोटोटाइपिंग टेस्ट हो रही है, इवेल्युएट हो रही है और मॉनिटर हो रही है कि क्या जो फीडबैक यूजर की तरफ से आया था वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, तो कंटिन्यूस फीडबैक लूप चल रहा है और सॉफ्टवेयर की जो यूजेबिलिटी है या सॉफ्टवेयर की एज पर दी रिक्वायरमेंट और एज पर दी एक्सपेक्टेशन वो बेहतर हो रही है. सैंडबॉक्स रेप्लिकेट्स एट लीस्ट मिनिमल फंक्शनैलिटी नीडेड टू गेट यूजर फीडबैक बिफोर इंप्लीमेंटिंग. तो स्मॉल मॉड्यूल, स्मॉल प्रोटोटाइप टेस्ट हुआ, फीडबैक आया, जब कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप या नेक्स्ट प्रोटोटाइप के अंदर गए. जब सारे प्रोटोटाइप टेस्ट हो गए तो आपने कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करके यूजर को डिलीवर कर दिया. गोल ऑफ ए सैंडबॉक्सिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटोटाइपिंग. सैंडबॉक्सिंग में जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर, पहले आप वन बाय वन करके प्रोटोटाइप और मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे, फिर आप इन दी एंड कंप्लीट जो प्रोडक्ट होगा उसको भी टेस्ट कर सकते हैं. प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के अंदर अगर आप नोट करें तो सबसे पहले आपने पहली प्रोटोटाइप तैयार की डिपेंडिंग ऑन कि उसका स्कोप क्या होगा. उसके बाद आपने यूजर को दिया, टेस्ट किया उस प्रोटोटाइप को. अगर ये डिसाइड हो गया कि एज पर दी यूजर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको कोई नए एडिशन की जरूरत नहीं है. अगर डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप मे बी होगा, जिसका मतलब यह है कि कुछ नई एडिशन आएगी रिक्वायरमेंट की या एज पर दी एक्सपेक्टेशन की फ्रॉम द यूजर, तो रिवाइज हुई वो प्रोटोटाइप और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गई एंड देन यू कैन मूव ऑन टू ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल और रिलीज प्रोटोटाइपिंग फॉर प्रोडक्शन, ताकि नई जो सारा एक प्रोटोटाइप है जिसको आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं आप उस तरफ चले गए. अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टेप में नहीं डिसाइड हो पाया कि ये प्रोटोटाइप एज पर दी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो यू मे अबैंडन दी प्रोटोटाइप और फिर आप दोबारा से नेक्स्ट या न्यू प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं. एंड यूजर डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज एंड टूल्स दैट अलाउ एंड यूजर हु आर नॉट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू प्रोग्राम द एप्लीकेशन. तो एंड यूजर डेवलपमेंट के अंदर आप यूजर्स को इन्वॉल्व करके वो एक्टिविटी जो डेवलपर या जो टेक्निकल लोग करते हैं उनको इन्वॉल्व करके उनकी एक्सपेक्टेशन और उनके फीडबैक को गैदर कर सकते हैं. एंड यूजर कैन यूज एंड यूजर टूल टू क्रिएट और मॉडिफाई सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट. तो कुछ आर्टिफैक्ट, कुछ एक्टिविटीज कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं, आप एंड यूजर जिन्होंने एक्चुअल यूज करना है सिस्टम उनको इन्वॉल्व करके आप कर सकते हैं. इन एंड यूजर डेवलपमेंट यूजर्स आर ट्रेन्ड बाय आईटी प्रोफेशनल ट्रेनर्स टू डेवलप कस्टमाइज एप्लीकेशन. अगर कोई कस्टमाइज एप्लीकेशन है जो एज पर दी रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर दी एक्सपेक्टेशन हो, उनमें आप यूजर को इन्वॉल्व करके और उनसे वो वाले काम कि जो डेवलपर्स करते हैं कुछ काम आप उनसे करवा सकते हैं. एग्जांपल्स कुड बी स्मॉल डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन विद एक्सेल स्प्रेडशीट या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ट्रैकिंग सिस्टम विद एन एक्सेस डेटाबेस. अब अगर एंड यूजर डेवलपमेंट साइकिल की हम बात करें तो सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन की, आइडेंटिफाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो भी यूजर्स की हैं, बिल्ड ए बेसिक प्रोटोटाइप, यूजर ने रिव्यू किया उस प्रोटोटाइप को, रिफाइन किया, इन्हांस किया और रिपीट किया स्टेप अनटिल अनलेस कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस प्रोटोटाइप में इनकॉर्पोरेट हो गई. फिर इम्प्लीमेंटेशन किया और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी मेंटेनेंस या सपोर्ट एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट करके आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया.